भाजपा प्रत्याशियों की तीसरी सूची को लेकर बड़ा अपडेट आज जारी हो सकती है। भाजपा की तीसरी सूची जानकार सूत्रों के हवाले से खबर है। फोर्स इंडिया अब तक इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि जैसलमेर से छोटू सिंह भाटी, कोलाया से पूनम कंवर भाटी, सूरतगढ़ से राम प्रताप, करणपुर से सुरेंद्र पाल चीटी का नाम लगभग तय है। किशनपुर से ज्योति खंडेलवाल, विराटनगर से कुलदीप धनखड़, दौसा से शंकर शर्मा, डीडवाना से जितेंद्र सिंह जोधा, लाडनू से कनीश सिंह, खेतड़ी से डॉक्टर धर्मपाल, हिंडौली से प्रभुलाल सैनी, बैरोड से डॉक्टर जसवंत का टिकट लगभग तय है। अशोक गहलोत के सामने महेंद्र सिंह राठौड़ का उतरना भी तय माना जा रहा है। जोधपुर से अतुल भंसाली, लोहावट से गजेंद्र सिंह खेंसर, खाचूवाला से डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल, गुढ़ा मलानी से के विश्नोई, पचपदरा से प्रकाश सिंह, मारवाड़ जंक्शन से केसाराम चौधरी, औसिया से बेराराम चौधरी को टिकट मिलना लगभग तय माना जा रहा है और किसी भी वक्त इस लिस्ट को जारी कर दिया जाएगा। काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनका रुख करेंगे। अदिति, ये जो चंद नाम सामने आए हैं ये संभावित नाम ही थे और लगभग तय भी अब माने जा रहे हैं, किसी भी वक्त ये लिस्ट सामने आ जाएगी और ये साफ हो जाएगा कि जो संभावित नाम है उन पर मुहर लगी या फिर नहीं। आपके पास क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए जो नाम आपने पढ़े हैं वो लगभग तय नाम है। लगभग बोलना इसलिए पड़ता है क्योंकि समीकरण हम इसको तय भी बोल सकते हैं कि ये तय नाम है, ये लिस्ट में फाइनल हो चुके हैं। खिंसर जैसे होल्ड कर दी गई है, अभी अशोक परनामी वाली पर चर्चा चल रही है, हालांकि वो लगभग माना जा रहा है कि वो अशोक परनामी की टिकट कट गई है। तो ऐसे तमाम चीजें हैं, लेकिन आखिरी मिनट कौन कहाँ ज्वाइन कर रहा है, क्या रणनीति बदल रही है। फर्स्ट कीजिए, जैसे कांग्रेस से नागौर से हरिंदर मिर्जा का टिकट फाइनल कर लिया गया, लेकिन अभी खिंसर से कौन प्रत्याशी उतरेगा उस पर एक प्रश्न चिन्ह है। तो ऐसे में कोई टिकट में बदलाव की स्थिति पैदा हो रही है। तो आखिरी मिनट बहुत सारी चीजें यहाँ पर नजर आ रही हैं। एक और खास बात, जैसे मलिंगा को लेकर कल एक लिस्ट जारी होनी थी, उनका नाम आना था, वो इसी बात से नाराज थे कि अभी तक पांच लिस्ट आ गई, मेरा नाम नहीं आया, इसलिए वो कांग्रेस के भी बीजेपी के भी संपर्क में थे। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनसे मिल लिए, सेक्रेटरी से लेकर प्रभारी से लेकर सबने उनको फोन भी कर दिया। अब संभवतः आज उनका नाम सामने आ जाएगा और वापस अपने विधानसभा पहुंच जाएंगे। लेकिन इस तरह की स्थितियां कि अगर मेरा नाम नहीं आया तो मैं बीजेपी के संपर्क में हूं। अब दिल्ली में तो इस बात की भी चर्चा है कि महेश जोशी के समर्थक उनको फोर्स कर रहे हैं कि आप भाजपा ज्वाइन कीजिए और वो भाजपा के संपर्क में भी हैं। ऐसे में अभी आखिरी मिनट में बहुत सारी चीजें समझ आ रही हैं, दिखाई दे रही हैं आखिरी मिनट। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी ने हवा महल से टिकट तय कर लिया गया है, इधर ज्योति खंडेलवाल जो कांग्रेस से आई थी उनको भी टिकट दे दिया गया है। तो आखिरी मिनट बहुत बदलाव है। तो तमाम जो नाम आपने पढ़े हैं पूनम, वो बिल्कुल तय है, बिल्कुल पूरी तरीके से तय है। ठीक है, अगर इस लिस्ट पर अगर गौर फरमाए अदिति, आपसे मैं रिएक्शन लेना चाहूंगी क्योंकि सेफ खेलने की कोशिश बार बार करती आई है दोनों ही लिस्ट में, लेकिन थोड़ा सा यहां पर विवाद होता भी नजर आया कई सीट्स पर। इस पर अगर गौर फरमाए कि एक बार लिस्ट जारी हो जाती है तो किस तरीके का रिएक्शन फिर कार्यकर्ताओं समर्थकों का इन प्रत्याशियों को देखकर नजर आने वाला है? बिल्कुल, देखिए दरअसल मुद्दा यह है कि दोनों ही पार्टियां बगावत से डर रही हैं। दोनों ही पार्टियों में नाम भले ही आलाकमान का चल रहा है लेकिन टिकटों में क्षेत्रीय नेताओं की चल गई। जैसे बीजेपी में बाबू सिंह राठौर की टिकट कट गई तो वहां के इलाके के जो नेता हैं उनकी चली, वैसे ही माना जा रहा है कि प्रहलाद बुंजल की टिकट कट गई है जी, वहां के जो बड़े नेता हैं उनकी चली है। और अगर वहां की बात करें झालावाड़ वसुंधरा राजे की चली है, अगर धौलपुर में अभी कभी कई टिकटें होल्ड पर हैं, यही वजह है कि आलाकमान और मैडम के बीच में बातचीत चल रही है। फिर बात करें अगर सीकर की, शेखावटी की, तो राजेंद्र राठौर की चली। आलाकमान ने सबको सुना है, सर्वे भी रखा है, लेकिन अंततः सेम यही बात कांग्रेस के लिए है। अशोक गहलोत की भी चली है तो सचिन पायलट की भी चली है, पारस जैन का टिकट तो सचिन पायलट ने कराया है, अजमेर में तमाम चीजों सचिन पायलट के हिसाब से, आलोक अलवर में जो भंवर जितेंद्र सिंह के हिसाब से, तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो क्षेत्र नेताओं की वजह से चली। अब ऐसे में कई बार पर्सनल इंटरेस्ट भी सामने आ जाता है, पर्सनल इंटरेस्ट के हिसाब से कि मेरा नेता उतरे, अब वो जुटाऊ है या नहीं। तो फिर जब नेताओं की चलने लगती है तो वहां पर फिर कॉम्प्रोमाइज भी कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। ये मेरा पर्सनल मानना यह है कि एक होता है जिताऊ उम्मीदवारी पर दाव लगाना, जो बार बार दोनों ही पार्टियां करती आई हैं, और एक होता है कि कहीं ना कहीं आप अपने क्षेत्र में अपने नेता को उतारते हैं। यही वजह है कि एक खेमे में इस बात की नाराजगी है कि बाबू सिंह राठौड़,
यूनुस खान, अशोक परनामी, डॉक्टर राम प्रताप, इसके अलावा जो तमाम नाम है जो पहले जैसे झोटवाड़ा से टिकट काट दिया गया है शेखावत साहब का, ये सारे टिकट काटे जबकि ऑलमोस्ट ये सारे लोग जिताऊ हैं। डॉक्टर राम प्रताप जाटों के बड़े नेता हैं, हनुमानगढ़ से बड़े नेता हैं, तो जाटों में वैसे ही कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ झुकाव है, अगर बीजेपी की टिकट काटेगी तो और नुकसान होता है। ठीक है, ठीक है।